भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही गृह एवं जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नंदकुमार सिंह चौहान का उनके पैतृक गांव में बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। छह बार प्रदेश महामंत्री रहे, तब इस कार्यालय में वो बैठे। दो बार प्रदेश अध्यक्ष के नाते इसी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के काम का संचालन उन्होंने किया। वो कार्यकर्ताओं के प्राण थे, वो सहज थे, सरल थे और दिन और रात जनता की सेवा में जुटे रहने वाले जनसेवक थे। भारतीय जनता पार्टी के काम को गांव-गांव तक विस्तार देने में उनकी बहुत अहम भूमिका है। निमाड़ की जनता के तो वो दिल थे, निमाड़ की नैया नंदू भैया। आम जनता की जुबान पे ये नारा रहता था, एक ऐसे जीवट कार्यकर्ता जिन्होंने हर दायित्व को निभाया। सामान्य कार्यकर्ता के नाते पद पर रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए, नगर परिषद के अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने ऐसी जनता की सेवा की कि भारतीय जनता पार्टी का माथा गर्व से हमेशा उन्नत रहता था। अपने ऐसे प्रिय कार्यकर्ता को खोने पर, अपने प्रिय नेता को खोने पर, जनसेवक को खोने पर हम सब दुखी हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि नंदू भैया उनको प्यार करते थे। ये प्रदेश की क्षति है, जिन्हें एक अत्यंत प्रतिभाशाली और लोकप्रिय नेता खोया है और अभी भी जिनसे बहुत उम्मीद पार्टी को भी थी, जनता को भी थी, लेकिन आज यहाँ अंतिम विदाई देते समय हम सबके दिल भरे हुए हैं। बस यही प्रार्थना है कि नंदू भैया बहुत याद आओगे।